अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा, आज मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैंने हस्बैंड को जगाया है और बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं अब किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और मैंने सोचा यहीं से मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ। चलें अपनी रूटीन का स्टार्ट करते हैं। इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को मैंने नाश्ता करवा के हस्बैंड को भी जॉब पर भेज दिया है। बच्चे स्कूल चले गए, अभी रज़ा ऐसा नहीं उठे कि मैं इनका ब्रेकफास्ट बनाऊं, तो मैंने सोचा कि बर्तन धो लिए जाएं। काफ़ी किचन फैला हुआ और अब इतनी ठंड लगती है कि सुबह सुबह पानी का काम करने का दिल नहीं कर रहा। हालांकि ये देखें, बाहर काफ़ी अच्छी धूप है, मॉर्निंग का टाइम है, धूप काफ़ी हो गई है, लेकिन यह है कि बच्चे भी रजा रूम ऐसा सो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अभी काम नहीं स्टार्ट किया कि वो फिर उठ जाते हैं। यहाँ पे प्लेट में बाजरा रखा होता है मॉर्निंग में, अभी है पड़ा, रात में मैंने डाला था। अच्छा, ठंडक काफ़ी, ऐसा नहीं है कि धूप निकल आई है तो ठंडक नहीं है, ठंड काफ़ी हो रही है। और बस रात के टाइम जो काम, मैंने अर्ली मॉर्निंग बनाई थी चाय, अब ये कम है रज़ा और मैसा और मैं तो ये है कि बच्चों के साथ भी चाय ले लेती हूँ और मॉर्निंग में हस्बैंड के साथ भी पीती हूँ, तो इसको बनाते हैं। अभी रज़ा रूम ऐसा उठ जाएंगे तो वो तो ब्रेड आज पड़ी है, वो तो कहेंगे मम्मा ब्रेड के साथ ही नाश्ता करेंगे। और ये मैंने चाय अगेन रख दी है, अभी बच्चे उठ जाएंगे तो उनको फिर ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। इस टाइम रज़ा रूम ऐसा जा गए हैं, इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और नमक और काली मिर्च वाला अंडा रज़ा भी शौक से खाता है, तो मैसा भी। रजा, आपने क्या नाश्ता करना है? तो अंडा खाना है। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ अपने बेटे के लिए। ये रजा का और रमैसा का अंडा जो है वो रेडी हो गया और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी आधा काम रहता है, अभी किचन के बर्तन रहते हैं धोने वाले और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इस टाइम पोजीशन है कि बिस्तर अभी सारे उठाने हैं, क्लीनिंग का काम करना है, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, ठंड लग रही है। अच्छा, सर्दियों में बिस्तर भी काफ़ी होते हैं उठाने वाले, समेटने वाले। बाहर धूप हो गई है काफ़ी ना, तकरीबन 9 बज रहे हैं, तो इस टाइम को पता है सूरज काफ़ी हो जाती है धूप, छत पे काफ़ी धूप तेज़ हो जाती है इस टाइम पे ना, लेकिन घर का काम कंप्लीट किए बगैर ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता, काम जो है वो करना है अभी। अच्छा, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि सारा काम कर लेती हूँ, डस्टिंग का काम रह ही जाता है और बारिश नहीं हो रही, इतनी डस्ट होती है हर चीज़ के ऊपर, तो अभी रजा और मैसा को ज़बरदस्ती का ऊपर फोर्स कर करके ऊपर भेज रही हूँ, लेकिन ये फिर बार बार नीचे आ जाते हैं। इस टाइम मैंने क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है और अभी जो है वो पानी रखा है मैंने, थोड़े से कपड़े हैं वो वॉश करूँगी, डेली बेसिस पे कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों की सॉक्स ये चीज़ें काफ़ी मतलब गंदी होती है। मैंने घर की क्लीनिंग सारी कंप्लीट कर ली और अब इसके बाद मैंने शावर लिया है और अब मैं ऊपर धूप में जा रही हूँ बैठने के लिए। धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है, तो ये है कि मैंने अभी ऊपर वॉशिंग का काम किया है ना, कपड़े धोए तो काफ़ी गर्मी लगने लग गई थी। और ये देखिए रजा धूप में ऊपर खेल रहा है चिड़ियों में, बस अभी इसको नहलाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लीनिंग का काम जो है कम्प्लीट करके ऊपर छत पे आई थी, तो रजा रूम ऐसा ऊपर ही खेल रहे थे, तो अभी मैं इनको लेने आई हूँ कि अभी इनको नहलाऊं और कपड़े चेंज करवाऊंगी। और इसके अलावा रजा के बाल बहुत बड़े हुए हुए हैं, अभी हस्बैंड को कोई छुट्टी मिले तो उसकी कटिंग भी करवानी है। अच्छा, ये इस टाइम शाम का टाइम है और हस्बैंड जो है वो फ़िश लेके आए थे, फिर मसाला लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, तो अभी हस्बैंड जो है वो फ्राई कर रहे हैं और इतनी अच्छी इसकी मज़ेदार सी लुक आ रही है, टेस्टी। और सर्दियों में मेरी भी, बच्चों की भी, प्लस हस्बैंड की भी ना फेवरेट है फ़िश। ये देखिए कितना अच्छा इसका
मसाला बिल्कुल अच्छी तरह मैरिनेट हो गया था और बहुत टेस्टी बनी, बहुत मज़ेदार। अच्छा ये फ्राई कर रहे थे हस्बैंड तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि मुझे तो सख्त भूख लग गई, और हस्बैंड कहते हैं बच्चों को लेके बैठ जाओ ठीक है तुम, तो मैं फ्राई करता हूँ और बहुत मज़े की बनी है। सर्दियों में वैसे भी ना मेरी बहुत फेवरेट है फ़िश, फ्राई फिश जो है वो। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करा करें और कमेंट भी। और इस टाइम हमने फ़िश फ्राई की है तो कल का सोच रही हूँ कि कल के लिए क्या मंगवाऊँ उस दिन से, तो चने जो है ना वो बहुत पसंद है बच्चों को, तो वो शायद कल चने बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले व्लॉग में। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, किचन भी मैंने क्लीन कर लिया अभी, और इंशाल्लाह कल आपके साथ दिन में अगेन अपना व्लॉग शेयर करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँगी। यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।